हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मनोज एमएलटी। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एलाइजा, जिसे मैं पहले पे अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसका इंट्रोडक्शन, और मैं बता चुका हूँ इसके जो टाइप्स हैं, डायरेक्ट एलाइजा और इनडायरेक्ट एलाइजा, उन पर इससे प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो दोस्तों, आज हम जो इसका थर्ड टाइप है, जो तीसरा टाइप है इसका एलाइजा का, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उस पर वो है हमारा सैंडविच एलाइजा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सैंडविच एलाइजा क्या है। तो दोस्तों, सैंडविच एलाइजा क्या है? दोस्तों, सैंडविच एलाइजा तो दोस्तों ये क्या है? दोस्तों, इसको हम सैंडविच क्यों बोलते हैं? दोस्तों पहले ये जान लेते हैं, ठीक है, सैंडविच क्यों बोलते हैं इसे हम जान लेते हैं। दोस्तों आप जैसे कि आप सैंडविच या फिर बर्गर आप खाते होंगे, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या लगा रहता है, देखिए आप समझना है इसको, कि ये कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों, बस एक आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले नीचे क्या रहता है, ब्रेड रहती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे माना जो भी उसमें डलते हैं, जो भी चीज़ें माना प्याज डला, ये टमाटर डला, बाकी चीज़ें जो भी रहती है उस पर, ठीक है। उसके बाद वो क्या डालते हैं, उसमें क्रीम डलती है, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है उस पर, फिर एक ऊपर से ब्रेड लगती है। तो दोस्तों ये क्या बन गया, एक ये सैंडविच हो गया। मतलब ये हर मतलब इसमें कितनी लेयरें होगी, पहले हमने क्या डाला, ब्रेड था, उसके बाद हमारे इसमें प्याज टमाटर जो भी रहता है दोस्तों, उसके ऊपर क्या गया, क्रीम, फिर ब्रेड। तो ऐसे ही दोस्तों इस सैंडविच इसीलिए बोला जाता है इसको, कि एक सैंडविच तरीके से, मतलब इसमें क्या रहता है कि पहले एंटीबॉडी, फिर एंटीजन, फिर एंटीबॉडी, फिर सबस्ट्रेट, तो ऐसे ही एक सैंडविच टाइप का बन जाता है। तो इसलिए इसे सैंडविच एलाइजा कहते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मैं इसको आपको करके समझाता हूँ, इसका जो प्रोसीजर है वो समझाता हूँ, उसमें आपको इजीली समझ में आएगा ऐसे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं क्यों करते हैं हम सैंडविच एलाइजा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम डायरेक्ट एलाइजा में एंटीजन का डिटेक्शन कर रहे थे और इनडायरेक्ट एलाइजा में हम एंटीबॉडीज का डिटेक्शन कर रहे थे, वैसे ही दोस्तों सैंडविच एलाइजा में जो एलाइजा है उसमें हम क्या करते हैं, एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं, डिटेक्शन ऑफ ऑफ एंटीजन, ठीक है दोस्तों। तो हम किसका डिटेक्शन कर रहे हैं, इसमें जो सैंडविच एलाइजा हम करने वाले हैं उसमें क्या करेंगे, हम एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए इसका प्रोसीजर शुरू करते हैं, इसका जो प्रोसीजर है दोस्तों उसको हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी जो हम एलाइजा परफॉर्म करते हैं वो प्लेट के जो माइक्रोडाइटर प्लेट होती है उसमें हम एलाइजा परफॉर्म करते हैं, जिसमें 96 वेल बनी रहती है दोस्तों। मैं बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोज़ में दोस्तों, ये 96 वेल हैं, ये प्लेट है जो माइक जो कि बनी होती है पॉलीस्टायरीन या पॉली विनाइल की बनी रहती है, ठीक है दोस्तों। तो माना मैंने इसमें से एक वेल ली, ठीक है, 96 वेल थे उसमें से मैंने एक वेल ली और उसमें मैं टेस्ट परफॉर्म करने वाला हूँ, ठीक है। ये है मेरी वेल, माइक्रोडाइटर वेल है, इसमें मैं टेस्ट परफॉर्म करने वाला हूँ सैंडविच एलाइजा। तो दोस्तों सैंडविच एलाइजा में जैसे हम डायरेक्ट एलाइजा में वो जो हमारा वेल थी वो क्या थी, एम्प्टी थी, मतलब खाली, किसी से भी कोडेट नहीं थी, उसकी सर्फेस पे कुछ भी नहीं था, एम्प्टी थी वो, खाली थी। और जो इनडायरेक्ट एलाइजा था उसमें क्या था, ये एंटीजन से कोडेट होती थी, किसे, एंटीजन से, इसकी सरफेस क्या है, प्री कोडेट होती थी एंटीजन से, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो हमारा सैंडविच एलाइजा है उसमें ये जो वेल है वो किससे कोडेट होती है, प्री कोडेट होती है, किससे, एंटीबॉडी से, ठीक है दोस्तों, किससे, एंटीबॉडी से, क्या रहती है, प्री कोडेट रहती है, पहले से इस पे क्या रहता है, इसकी सरफेस पे एंटीबॉडी रहता, क्या कैप्चर एंटीबॉडी रहती है, जिसे हम कैप्चर एंटीबॉडी भी बोलते हैं। तो ये कहाँ रहता है, इसकी सरफेस पे पहले से ही कोडेट रहता है, ठीक है। तो दोस्तों ये पहले से ही कोडेट रहता है, माना मेरा हमारा पेशेंट एग्जाम्पल के लिए डेंगू का इन्फेक्शन है उसे, किसका, डेंगू का इन्फेक्शन है, मुझे इसका एंटीजन जानना है। तो ये पेशेंट का सीरम है माना, तो मैंने इसमें सीरम, पेशेंट का सीरम इसमें ऐड करा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें माना डेंगू का एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पर जो एंटीबॉडी है इसके साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये अटैच हो गया, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि हर स्टेप के बाद एलाइजा में क्या होती है, वॉशिंग होती है और
इंक्यूबेशन होता है। तो उसके बाद वॉशिंग और इंक्यूबेशन के बाद हम क्या करते हैं, इसमें क्या डालते हैं, जो हमारा एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी क्या डालते हैं, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाल हमने डाली, ठीक है, वो एंटीबॉडी किससे जुड़ी है, एंजाइम से, और ये इसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी है जो कि इस एंटीजन के साथ बाइंड हो जाती है, ठीक है, इस स्पेसिफिक एंटीजन के लिए ये इसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, इस एंटीजन के लिए क्या है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, तो ये एंटीबॉडी जो है, ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है, वो इस एंटीजन के साथ क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, ठीक है, क्या बनाएगी, कॉम्प्लेक्स बना देंगे, ठीक है, तो ये बाइंड होगी, ठीक है दोस्तों, ठीक, ये इस एंटीजन के साथ बाइंड होगी, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, हर स्टेप में वॉशिंग होती है, तो वॉशिंग होने के बाद क्या होगा, इसके साथ ये जुड़ गई है तो वॉशिंग में ये बाहर नहीं जाएगी, रिमूव आउट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड बन चुका है, एक अच्छा बॉन्ड बन चुका है, और ये रिमूव आउट नहीं होगी। उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होता है दोस्तों, हम इसमें ऐड क्या करते हैं, सबस्ट्रेट, क्या करते हैं, सबस्ट्रेट ऐड करते हैं, ठीक है दोस्तों। वो सबस्ट्रेट क्या होता है दोस्तों, इस एंजाइम जो इस एंटीबॉडी के साथ जुड़ा हुआ एंजाइम है, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कलर फॉर्मेशन करता है इस सॉल्यूशन में, ठीक है, इस वेल में कलर फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, ठीक, ये कलर फॉर्मेशन करता है, तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों हमें, कि हमारा टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब उसमें क्या है, डेंगू का एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, मतलब पेशेंट को हमारा डेंगू का इन्फेक्शन है, और इसमें क्या है, डेंगू का एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, इससे ये पता चलता है, ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। माना हमारा पेशेंट डेंगू का इन्फेक्शन नहीं है हमारे पेशेंट में, तो क्या होगा, देखिए माना पेशेंट का हमने सीरम डाला, ठीक है, हमने सीरम डाला पेशेंट का, ठीक है, यहाँ इसकी पेशेंट की सीरम में एंटीजन नहीं था, ठीक है, एंटीजन नहीं है, ठीक है, एंटीजन नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वो क्या, जो हमारा एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है, जिसे हम जो ये एंजाइम से लिंक्ड है दोस्तों, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो है हमारी, वो क्या होगा, जब हम इसको डालेंगे तो यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये किसके साथ बाइंड करेगी, किसी के साथ बाइंड नहीं कर पाएगी, जब वॉशिंग होगी उसके बाद जो वॉशिंग का स्टेप होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, रिमूव आउट हो जाएगी, ये हमारे जो यहाँ से ये माइक्रोडक्टर वेल से क्या हो जाएगी, रिमूव आउट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, जब हम वॉशिंग करते हैं। तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जब हम सब्सट्रेट ऐड करते हैं, तो सब्सट्रेट क्या होगा, वो उस एंजाइम नहीं, वहाँ पर जो है, जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज थी उस पर क्या लगा था, एंजाइम लगा था, जुड़ा था, ठीक है, यहाँ पर अब एंजाइम है ही नहीं, तो ये सब्सट्रेट भी किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसी के साथ नहीं, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम है ही नहीं, तो ये सब्सट्रेट भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसका, इससे हमें क्या पता चलता है, कि हमारा टेस्ट निगेटिव है, कोई कलर फॉर्मेशन नहीं होगा दोस्तों, कोई कलर फॉर्मेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, इससे हम जानते हैं कि हमारे पेशेंट को डेंगू का इन्फेक्शन नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर ये दोस्तों आपको अगर हेल्पफुल लगता है, तो दोस्तों मेरे ज़्यादा से अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें, और लाइक कीजिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे, और हम जानेंगे इसका जो टाइप 4 है, लास्ट जो टाइप है एलाइजा का, उसको हम जानेंगे, और जिसका नाम है कॉम्पिटेटिव एलाइजा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।